अगर आपको नहीं पता क्या? तो देखो, जो लिनोवो एज अ कंपनी है ना, दुनिया की नंबर वन कंपनी है लैपटॉप्स में। एंड इस साल तो भाई लिनोवो इतने बड़े बड़े चेंजेस कर रहा है ना, मतलब कि हर एक बजट के अंदर आपको जो सबसे बेस्ट लैपटॉप मिलता है ना, वो आपको लिनोवो का ही मिलता है। एंड यही चीज एक दो साल पहले तक ना एचपी कर रहा था। एचपी ने एक बार मार्केट पूरी तरह से डोमिनेट कर दी थी, लेकिन आज टाइम है लिनोवो का। एंड आपके भी रूटीन में कमेंट्स आते हैं कि भाई लिनोवो का लैपटॉप बताओ मुझे, तो आज मैं आपको लिनोवो के लैपटॉप बताऊंगा एंड हर एक बजट के अंदर बता दूंगा। लेकिन देखो, अच्छा लैपटॉप बाय करने से पहले ना आपने ये चीज समझनी है मेरी, कि आपने वीडियो को ध्यान से देखना है। कई बार क्या होता है कि जैसे मेरा बजट 50,000 रुपए, लेकिन मुझे जिस पर्पस के लिए, जिस काम के लिए लैपटॉप चाहिए ना, वो 60,000 से कम के अंदर नहीं मिलता, क्योंकि हर एक पर्पस की ना रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो वीडियो ध्यान से देखना, मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा किस चीज के लिए कौन सा लैपटॉप बढ़िया रहेगा। तो चलो देखते हैं फिर लिनोवो के लैपटॉप्स। ऐसा करते हैं कि स्टार्ट करते हैं 40,000 के बजट से, एकदम ही बेसिक बजट से शुरू करते हैं। दो लैपटॉप बताऊंगा, एक राइजन का एंड दूसरा इंटेल वाला। सबसे पहले राइजन वाला देखते हैं, क्योंकि ये इस टाइम पे वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है। लिनोवो थिंकबुक 15 43,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है। अब देखो, इसके अंदर में जो टॉपलेट मिलती है ना, वो एल्यूमिनियम की मिलती है एंड इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना, वो एकदम ही शानदार है। प्राइवेसी शटर कैमरा मिल जाएगा, बैकलेट कीबोर्ड दिया गया, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया। ये तो सारे एडिशनल फीचर्स, इन चीजों से अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परफॉर्मेंस एक्चुअली इसकी काफी बढ़िया है, क्योंकि राइजन 5 प्रोसेसर दिया गया, 7530U 7000 सीरीज का एकदम ही लेटेस्ट प्रोसेसर है ये। 6 कोर 12 थ्रेड्स मिल जाते हैं। एंड मजे की चीज एक और है कि लैपटॉप के अंदर हमें 16GB की रैम मिल जाती है। देखो, इतने बढ़िया प्रोसेसर के साथ इस दाम पे आपको 16GB की रैम दूसरे किसी लैपटॉप के अंदर नहीं मिलने वाली। एंड ऊपर से इसकी रैम एक्सपेंडेबल भी है, 64GB तक हम इसकी रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं। डुअल चैनल रैम है, DDR4 रैम है 3200 MHz वाली, तो अच्छी रैम है। एंड इसकी जो स्टोरेज है वो भी लेटेस्ट दे रखी है, 512GB की Gen 4 SSD है। अब ये चीज सोच रहे होगे कि भाई Gen 4 SSD क्या होती है। Gen 4 देखो लेटेस्ट टाइप है, Gen 3 के कंपैरिजन में इसकी जो रीड एंड राइट की स्पीड है वो ज्यादा फास्ट होती है। वैसे तो Gen 5 चल रही है इस टाइम पे लेटेस्ट, लेकिन वो बहुत ही महंगे लैपटॉप के अंदर हमें मिलती है। अगर हमें बजट के लैपटॉप के अंदर Gen 4 SSD मिल रही है ना, मतलब कि भाई सोने पे सुहागे वाली बात है, सोचने की कोई जरूरत नहीं है। एंड स्टोरेज इज आल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की फुल एचडी प्लस एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में। 300 निट्स की ब्राइटनेस है। स्टैंडर्ड डिस्प्ले देखो, कुछ डिस्प्ले के अंदर एक्स्ट्रा भी नहीं है, कुछ कम भी नहीं है। नहीं तो इस ब्रेड की जो डिस्प्ले होती है ना, वो अच्छी नहीं होती, लेकिन इसकी डिस्प्ले अच्छी है। 45% NTC, 60Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया। AMD की रेडियन ग्राफिक्स मिल जाती है, MS ऑफिस मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। अब इसके अंदर हमें फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है, 50% बैटरी 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगी। 45 वॉट आवर्स की बैटरी एंड 65 वॉट का अडैप्टर दिया गया लैपटॉप में। 2 USB 3.0 Gen 1 पोर्ट्स हैं, जिसमें से एक ऑलवेज ऑन वाली है। 2 USB 3.0 Gen 2, जो कि डेटा ट्रांसफर, पावर डिलीवरी एंड डिस्प्ले तीनों को सपोर्ट करती है। ईथरनेट हो गया, HDMI हो गया, एक SD कार्ड रीडर हो गया, 3.5mm जैक, ये सब कुछ भी हमें अपने लैपटॉप के अंदर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, लिनोवो की थिंकबुक सीरीज का ही लैपटॉप है 16। ये लैपटॉप अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है एंड वन ऑफ माय फेवरेट लैपटॉप है, लिटरली 40,000 रुपए करंट प्राइस है। इसके अंदर आपको सारी चीजें एकदम ही लेटेस्ट मिल जाती है, वही मेटल की बॉडी, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट दे रखी है, Gen 4 SSD, रैम एक्सपेंडेबल है 64GB तक एंड DDR5 रैम मिल रही है इसके अंदर, प्राइवेसी शटर कैमरा, फिंगरप्रिंट सेंसर। भाई और क्या चाहिए आपको 40,000 के बजट के अंदर, और इससे ज्यादा मिल भी नहीं सकता। i3 का प्रोसेसर दिया गया, 1315U, लेटेस्ट 13 जनरेशन का प्रोसेसर हो गया। 8GB की रैम है लैपटॉप में, DDR5 रैम है 5200 MHz वाली, एकदम ही लेटेस्ट रैम है इसकी। एंड इसकी रैम एक्सपेंडेबल है 64GB तक, 512GB की Gen 4 SSD विच इज ऑल्सो लेटेस्ट एंड एक्सपेंडेबल। एंड इसका जो डिस्प्ले साइज है वो बड़ा है। अब देखो, एक नॉर्मल जो फुल साइज डिस्प्ले होती है ना, वो होती है 15.6 इंचेस की, बट इसके अंदर में जो डिस्प्ले दे रखी है ना, वो 16 इंचेस की डिस्प्ले है। फुल एचडी प्लस IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, IPS पैनल है, भाई कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, इतने प्यारे कलर्स आते हैं IPS डिस्प्ले के अंदर। 300 निट्स की ब्राइटनेस, इंटेल के USD ग्राफिक्स, MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको यहाँ पे भी मिल जाती है, 30 मिनट के अंदर 50% बैटरी चार्ज, 45 वॉट आवर्स की बैटरी एंड 65 वॉट का अडैप्टर। एंड सारी नेसेसरी पोर्ट्स हमें अपने लैपटॉप के अंदर दे रखी है, चाहे वो USB टाइप है या USB-C या थंडरबोल्ट 4 पोर्ट है, SD कार्ड रीडर, ईथरनेट, 3.5mm कॉम्बाइन, HDMI 2.1, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती है। तो बढ़िया लैपटॉप है, जरूर कंसीडर करो। अगर आपका बजट 40,000 के आसपास है, इन दोनों में से आपको एक लैपटॉप ही बाय करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, दोनों एकदम परफेक्ट ऑप्शंस हैं। बजट को करते हैं थोड़ा सा पुश एंड चेक करते हैं 50,000 के लैपटॉप्स। अब मैं आपको सबसे पहला लैपटॉप बताता हूँ 50,000 के अंदर, गेमिंग लैपटॉप, आइडियापैड गेमिंग 3 लैपटॉप है। भाई देखो, इसके अंदर हमें एच सीरीज का प्रोसेसर भी मिल रहा है, 5500H दिया गया, 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला, रैम भी एक्सपेंडेबल है, 8GB की रैम है, DDR4 3200 MHz वाली, 32GB तक हम इसकी रैम को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। एंड मेक श्योर, जब भी आपने गेमिंग करनी है, 16GB की रैम कम से कम होनी चाहिए अपने लैपटॉप के अंदर, तो लैपटॉप आई करती इसकी रैम एक्सपेंड कर लेना। 512GB की Gen 4 SSD दैट इज आल्सो एक्सपेंडेबल। अब गेमिंग लैपटॉप की डिस्प्ले के अंदर क्या होना चाहिए, 144Hz का रिफ्रेश रेट होना चाहिए, वो भी दिया गया, 350 निट्स की ब्राइटनेस, 45% NTSC, 15.6 इंचेस की फुल साइज डिस्प्ले, IPS पैनल, फुल एचडी एंटी ग्लेयर, यानी कि जैसी मर्जी गेमिंग करो एकदम ही स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेगी आपको। एंड जो ग्राफिक कार्ड है वो इस बजट का सबसे पावरफुल ग्राफिक कार्ड दिया गया है, RTX 2050, TGP 70 वॉट्स है। देखो, सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने, चाहे हम GT5 की बात करें, स्नाइपर लाइट की बात करें, वर्ल्ड वॉर ज़ी होगी एंड बाकी सभी गेम्स। अब एक चीज का आपने ध्यान रखना,
रखना कि जो गेमिंग लैपटॉप होता है ना उसका पर्पस सिर्फ गेमिंग करना नहीं होता। अगर आप एडिटिंग करना चाहते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग वाले काम करने हैं, एनिमेशन वाले काम करने हैं, थोड़े बहुत भी अगर आपने हैवी काम करने हैं ना जिसके लिए आपको ग्राफिक कार्ड चाहिए, तो भाई गेमिंग लैपटॉप ही लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ग्राफिक कार्ड इसका बढ़िया दिया गया, 45 वॉट आवर्स की बैटरी, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाती है, ई कैमरा शटर दिया गया, बैकलिट कीबोर्ड, एक्सबॉक्स का गेमिंग पास मिल जाएगा 3 महीने के लिए, सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं, 2 USB A 3.2 Gen 1, 1 USB C 3.2 Gen 1 जो कि डेटा ट्रांसफर को सपोर्ट करती है, 1 3.5mm जैक हो गया, HDMI एंड ईथरनेट, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। इसका प्राइस गैस करो यार, आपका बजट है 50,000 रुपए, लेकिन ये लैपटॉप आपको सिर्फ 46,000 के अंदर मिल जाएगा। शानदार लैपटॉप है, जरूर बाय करो Lenovo IdeaPad Slim 5 लैपटॉप। देखो इसे बाय करने के लिए आपको बजट थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, 54,000 के आसपास इसका करंट प्राइस है, लेकिन सबसे ज्यादा वर्थ इट है इस दाम पे। है तो प्रोफेशनल लैपटॉप, लेकिन इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर दिया गया वो गेमिंग सीरीज का प्रोसेसर है। अब ये चीज समझते हैं कि गेमिंग सीरीज के प्रोसेसर के अंदर क्या होता है। देखो जिस भी प्रोसेसर के पीछे आपको एच मिल रहा है ना, जैसे इसके अंदर i5 का 12450H प्रोसेसर है, मतलब कि वो तगड़ा प्रोसेसर है, उसके ऊपर आप जितने मर्जी हैवी काम कर लो, आपका लैपटॉप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा आपको परफॉर्मेंस के सिनेरियो में। ठीक है, एंड जो बाकी दोनों सीरीज होती है वो होती है पी और यू, इनकी जो परफॉर्मेंस है वो एच के कंपैरिजन में कम होती है, लेकिन इसका टोटली ऑपोजिट मिलेगा आपको बैटरी बैकअप के अंदर। यू सीरीज के अंदर परफॉर्मेंस चाहे कम मिलती है, बैटरी बैकअप सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि देखो हर एक प्रोसेसर को ना एक स्पेसिफिक चीज के लिए बनाया जाता है। एच सीरीज वाले बने होते हैं परफॉर्मेंस निकालने के लिए, वो परफॉर्मेंस निकाल के देती है, यू सीरीज वाले बने होते हैं लंबे बैटरी बैकअप के लिए, एंड ठीक ठाक सी परफॉर्मेंस हमें यू सीरीज के अंदर भी मिल जाती है, तो वो भी अपना काम बढ़िया से करते हैं। अब आपने अगर बजट पुश करके इस लैपटॉप को बाय किया तो आपको क्या मिलेगा? देखो इस बजट के अंदर आपको जो बाकी सभी प्रोसेसर मिलते हैं ना, चाहे वो 5600H है, 5625U है, 1235U है, 1335U है, उन सभी के साथ कंपैरिजन आपके सामने है, सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस आपको इसके अंदर मिलती है। दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग दिस लैपटॉप टू यू। 16GB की रैम, DDR5 रैम है 4800MHz वाली, नॉट एक्सपेंडेबल, 512GB की Gen 4 SSD दैट इज एक्सपेंडेबल, 15.6 inches की फुल एचडी IPS एंटीग्लेयर डिस्प्ले, 300 nits की ब्राइटनेस, आप इसके ऊपर एडिटिंग भी कर सकते हो, कलर्स बहुत ही शार्प है, एक्यूरेट है इसके कलर्स, डिजाइनिंग वाले अगर काम करनी है, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो ना, अच्छे से लैपटॉप आपका ये हैंडल कर लेगा। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी है, बैकलिट कीबोर्ड दिया गया, प्राइवेसी शटर कैमरा के साथ ही एक्सबॉक्स का गेमिंग पास मिल जाएगा 3 महीने के लिए, तो बढ़िया लैपटॉप है, जरूर बाय करो इसे आप। इंटेल की USG ग्राफिक्स मिल जाती है, बाकी नेसेसरी पोर्ट्स आपको इसके अंदर भी सारी दे रखी है, 2 USB 3.2 Gen 1 टाइप ए, 1 USB C मिल जाती है 3.2 Gen 1 जो कि फुली फीचर्ड है, HDMI हो गया, 3.5mm हो गया, MS ऑफिस के साथ इसके अंदर हमें फास्ट चार्जिंग की भी सपोर्ट मिल जाती है, तो ओवरऑल लैपटॉप काफी बढ़िया है, हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप अपने बजट का। एंड एक और चीज है, ये लैपटॉप आपको 14 इंच के अंदर भी मिल जाएगा। अगर तो आपको बड़ी डिस्प्ले साइज में लैपटॉप चाहिए वो तो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन कई यूजर्स को मेरी तरह छोटी डिस्प्ले के लैपटॉप पसंद होते हैं, भाई ये सेम स्पेसिफिकेशन आपको 14 इंच के अंदर भी मिल रही है, मजे ही मजे। बात करते हैं 60,000 के बजट की। सबसे पहला लैपटॉप Lenovo का IdeaPad Gaming 3 लैपटॉप। सबसे पहले इसका प्रोसेसर चेक करते हैं, Ryzen 7 प्रोसेसर है 6000 सीरीज का, 6800H, 8 कोर 16 थ्रेड्स वाला। अब देखो इसी बजट के अंदर हमें जो बाकी पॉपुलर प्रोसेसर मिल जाते हैं ना, चाहे वो इंटेल के हैं चाहे वो Ryzen के हैं, लाइक सबसे पहले 12500H के साथ कंपेयर करते हैं तो 10% ज्यादा बड़ी परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है। Ryzen के साथ कंपेयर करते हैं 6600H से तो उसके कंपैरिजन में 43% ज्यादा बड़ी परफॉर्मेंस हमें अपने लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। एंड जो 12450HX प्रोसेसर है उसके कंपैरिजन में भी 25% ज्यादा बड़ी परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है। अब ये चीज तो क्लियर है कि इस बजट का सबसे पावरफुल लैपटॉप है। अब इसके अंदर हमें जो ग्राफिक कार्ड मिलता है उसे भी चेक कर लेते हैं। देखो 3050 ग्राफिक कार्ड मिल रहा है एंड वो भी 85W TGP वाला। एक तो ये चीज है कि 3050 आपको इस बजट के अंदर मिलते ही बहुत कम है, अगर आपको मिलते भी है ना वो इससे कम TGP वाले मिलते हैं। जितनी TGP ज्यादा उतनी बढ़िया परफॉर्मेंस, तो सिंपल चीज है ये भी, आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी इसके अंदर। परफॉर्मेंस बाद में चेक करते हैं, बट फर्स्ट 8GB की रैम मिल जाती है, DDR5 रैम है 4800MHz वाली, एक्सपेंडेबल 32GB तक, 512GB की Gen 4 SSD दैट इज आल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 inches की फुल एचडी IPS एंटीग्लेयर डिस्प्ले, 120Hz का रिफ्रेश रेट है, 250 nits की ब्राइटनेस के साथ। अब इसके गेमिंग स्कोर्स भी चेक कर लेते हैं। देखो GTA 5 पे वेरी हाई सेटिंग्स के ऊपर 110-120 FPS मिल रहे हैं, ठीक है यार, और क्या चाहिए आपको 60,000 में। वैलोरेंट की बात करें तो मीडियम सेटिंग्स के ऊपर आपको 250 से भी ज्यादा FPS मिल रहे हैं। फायर क्राई 6 होगी अल्ट्रा सेटिंग्स के ऊपर आपको 66 FPS मिल रहे हैं। हैवी गेम है, प्लेएबल है। उसके बाद रेड डेड रिडेम्पशन होगी, ये भी गेम अपनी प्लेएबल है। अब ये चीज देख के ना आप खुश होने वाले हो, मुझे पता है। MS ऑफिस मिल रहा है भाई गेमिंग लैपटॉप के अंदर आपको, एंड वो भी ट्रायल वर्जन पे नहीं मिल रहा, भाई लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया 2021। किस गेमिंग लैपटॉप के अंदर आपको MS ऑफिस मिलता है, ये भी बढ़िया चीज होगी ना। फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी है, फ्रॉम 0 to 50% बैटरी 30 मिनट के अंदर चार्ज हो रही है, 4 घंटे तक अप्रॉक्सिमेटली बैटरी बैकअप मिलेगा, 2 USB Type-A, 1 USB Type-C, HDMI डुअल, 3.5mm जैक एंड ईथरनेट, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती है, प्राइवेसी शटर कैमरा हो गया, एक्सबॉक्स का पास हो गया एंड RGB कीबोर्ड हो गया, ये सब कुछ भी हमें अपने लैपटॉप के अंदर दिया गया। तो बेसिकली 60,000 के अंदर अगर आपने गेमिंग लैपटॉप बाय करना है तो सबसे बढ़िया ऑप्शन आपके लिए। अब इस बजट का प्रोफेशनल लैपटॉप भी चेक कर लेते हैं। Lenovo का IdeaPad Slim 3 लैपटॉप है, 62,000 rupees करंट प्राइस है, i7 का प्रोसेसर है, 13th generation 13 620H, 10 core 16 threads मिल रहे हैं, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी होगी, 180° की हिंज होगी, 16GB की रैम, DDR5 रैम है 4800MHz वाली, 512GB की SSD विच इज एक्सपेंडेबल, 15.6 inches की डिस्प्ले, 300 nits की ब्राइटनेस के साथ ही फुल एचडी IPS एंटीग्लेयर डिस्प्ले है, 60Hz का रिफ्रेश रेट, 45% NTSC, इंटेल के USD ग्राफिक्स, MS Office 2021, फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट, सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं, कार्ड रीडर होगा, 3.5mm कॉम्बो,
HDMI, EQSB-C जो कि फुली फीचर्ड है, दो USB है 3.2 Gen 1, उसके बाद प्राइवेसी शटर कैमरा हो गया, बैकलिट कीबोर्ड हो गया, एक्सबॉक्स का गेमिंग पास हो गया। देखो ये एक्चुअली ऐसा लैपटॉप है, आप इसके ऊपर जैसी मर्जी गेमिंग कर लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, हर एक चीज आपका लैपटॉप हैंडल कर लेगा। आगे बढ़ते हैं, 70,000 के अंदर सिर्फ एक ही लैपटॉप आपको बताऊंगा, लिनोवो का लॉक। इसका डेडिकेटेड रिव्यू आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा। एंड सही यार, क्या परफॉर्मेंस मिलती है लैपटॉप के अंदर, मतलब मजा ही आ गया। 68,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है। पॉलीकार्बोनेट बॉडी है, मेटल की फिनिशिंग के साथ ही जो लॉक अपना पावर बटन है उसके अंदर इंडिकेटर है, वो चेंज होता है डिफरेंट मोड्स के अकॉर्डिंग। 12450HX प्रोसेसर है, 8-core 12 threads वाला। अब देखो मैंने आपको UPH तो समझा दिया, लेकिन HX क्या होता है, ये चीज भी आती है माइंड में। अब देखो जो H वाली फैमिली है ना, वो आगे फर्दर तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है, H, HX एंड HS। HX वाले सबसे पावरफुल है, H वाले उससे कम एंड HS वाले उससे कम। अब ये वाला जो लैपटॉप हो गया ना HX वाला, ये मतलब सबसे पावरफुल है। लैपटॉप के अंदर हमें 16GB की रैम मिल जाती है, 32GB तक एक्सपेंडेबल है, 512GB की Gen 4 SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। टोटली फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप हो गया, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल मिल रही है। डिस्प्ले भी ठीक है, 144Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, अडैप्टिव सिंक 100% sRGB, 300Hz की ब्राइटनेस, फुल साइज डिस्प्ले 15.6 इंचेस की, एंड डिस्प्ले इसकी काफी ब्राइट है, एडिटिंग वगैरह हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसके अंदर। मैंने सब कुछ करके देखा है, रेंडर टाइम भी कम लगता है इसका, एंड जो एडिटिंग की परफॉर्मेंस है उसके अंदर भी आपको कोई लैग नहीं मिलता। ग्राफिक कार्ड चेक करते हैं, RTX 3050 ग्राफिक कार्ड दिया गया, लेकिन 6GB का एंड TGP 95W है, जी सिंक के साथ ही मक्स स्विच भी इंक्लूडेड है। अब सबसे पहले ना इसके आप सारे गेम स्कोर चेक कर लो। GT5 होगी 130 से 150 FPS मिल रही है, स्पाइडरमैन होगी 140 to 150 FPS मिल रही है, साइबरपंक के अंदर हर एक सेटिंग के ऊपर अपनी गेम प्लेएबल है, वैलोरेंट होगी, फोर्जा होराइजन 5 होगी, दोनों के अंदर हमें एकदम ही डिसेंट परफॉर्मेंस मिल जाती है। तो आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो। MS ऑफिस ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में 60W की बैटरी, 170W का अडैप्टर, भारी भरकम अडैप्टर है इसका, सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं, वीडियो पॉज करो, इसकी पोर्ट्स को चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको पोर्ट्स के सिनेरियो में, बाकी सब कुछ भी लैपटॉप का काफी बढ़िया, हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है, बिल्कुल जरूर कंसीडर करो इसे। तो अब बात करते हैं 80,000 के बजट की। देखो दो लैपटॉप बताऊंगा, एक प्रोफेशनल एंड दूसरा गेमिंग। सबसे पहले प्रोफेशनल लैपटॉप चेक करते हैं, लिनोवो का योगा स्लिम 6 लैपटॉप, इंटेल ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप है। अब देखो इंटेल ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप जो भी आपको मिलता है ना, उसके अंदर हमें जो एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं वो काफी कमाल के मिल जाते हैं। ये जो आप सारे फीचर्स देख रहे हो ना, ये सब कुछ हमें अपने लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ इंटेल ईवो सर्टिफिकेशन। एंड 13500H प्रोसेसर है इसके अंदर, मतलब कि अभी तक की वीडियो का सबसे तगड़ा प्रोसेसर है ये, i5 का 13th generation, 12-core 16 threads है इसके अंदर। 80,000 rupees करंट प्राइस है, बाकी सब कुछ भी लैपटॉप का बढ़िया, मेटल की बॉडी, 180 degree रेंज, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, प्राइवेसी शटर कैमरा, बैकलिट कीबोर्ड, एक्सबॉक्स का पास, 15 मिनट चार्ज करने पे 3 घंटे तक करंट टाइम, ठीक है। उसके बाद जो हमें रैम मिलती है वो एक्सपेंडेबल नहीं है, बट 16GB की रैम है, 5200MHz वाली LPDDR5X, 512GB की Gen 4 SSD विच इज एक्सपेंडेबल। अब देखो इसकी जो डिस्प्ले है ना, वो इसकी USP है, OLED डिस्प्ले मिल रही है आपको लैपटॉप में, WXGA 14 इंच इसका डिस्प्ले साइज है। एंड भाई साहब क्या मजेदार डिस्प्ले, इसकी इतने ब्राइट कलर्स हैं, इतने पंची कलर्स है ना। देखो सिंपल चीज है, OLED पैनल का जो डिस्प्ले एक्सपीरियंस है ना, वो एकदम ही नेक्स्ट लेवल है। 400 nits की ब्राइटनेस के साथ ही 60Hz का रिफ्रेश रेट है, आयरिस ग्राफिक्स हो गया, MS ऑफिस हो गया, 2021 वो भी दिया गया, अप्रॉक्सिमेटली 9 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है, एंड इट इज ओनली बिकॉज ऑफ इंटेल ईवो सर्टिफिकेशन। एक USB 3.2 Gen 1, दो थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स हैं, HDMI 2.1 एंड 3.5mm जैक, ये सब कुछ मिल जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिनोवो का लॉक लैपटॉप नया लॉन्च हुआ है, 100% sRGB डिस्प्ले के अंदर, 105W TGP वाला ग्राफिक कार्ड दिया गया, 4 जोन RGB कीबोर्ड दिया गया, सब कुछ चेक करते हैं। बट फर्स्ट प्राइस है 84,000 rupees, 13450HX प्रोसेसर है। अब ये वाला जो प्रोसेसर है ना, ये 3% ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस देता है 7840HS से सिंगल कोर के अंदर, एंड मल्टी कोर के अंदर 7% ज्यादा बड़ी परफॉर्मेंस मिल जाती है। अब इसके साथ कंपेयर करने का ये मतलब है, क्योंकि ये वाला जो राइजन का प्रोसेसर है ना, ये इस पीरियड का सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोसेसर है, इसके टक्कर का प्रोसेसर है। मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ कि ये जो 13450HX है ना, ये अपने कंपटीशन से ज्यादा बेटर है। 16GB की रैम है, एक्सपेंडेबल 32GB तक, 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 इंच की डिस्प्ले, 100% sRGB है, 300 nits की ब्राइटनेस, 144Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया, RTX 4050 ग्राफिक कार्ड है, 105W TGP वाला, मक्स स्विच इंक्लूडेड है, जी सिंक को भी सपोर्ट करता है, एंड सारी गेमिंग स्कोर्स आपके सामने, वीडियो पॉज करो, स्कोर्स को चेक कर लो। MS ऑफिस मिल जाएगा लाइफ टाइम, 60W की बैटरी एंड 170W का अडैप्टर, 80% बैटरी सिर्फ 1 घंटे के अंदर चार्ज हो जाती है फास्ट चार्जिंग के थ्रू, 3 महीने के लिए गेमिंग पास हो गया, 4 जोन RGB बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया, ई कैमरा शटर हो गया, एंड सारी नेसेसरी पोर्ट्स भी हैं, 3 USB 3.2 Gen 1 टाइप ए, एक USB-C 3.2 Gen 2 जो कि डेटा ट्रांसफर, डिस्प्ले पोर्ट एंड चार्जिंग इन तीनों को सपोर्ट करती है, HDMI हो गया, इथरनेट होगी, 3.5mm कॉम्बो हो गया, सब कुछ हमें अपने लैपटॉप के अंदर दिया गया। तो बिल्कुल आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो, एकदम बिंदास लैपटॉप है, गो फॉर इट। एंड देखो सभी के बेस्ट स्पेलिंग्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड ये जो मैंने आपको लैपटॉप्स बताई है ना, ये वो चुनिंदा लैपटॉप्स हैं जो कि अपने अपने बजट के अकॉर्डिंग ना एकदम सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं। इन सभी लैपटॉप्स की जो बिल्ड क्वालिटी है, ओवरऑल स्पेसिफिकेशन होगी, एंड लुक्स के सिनेरियो में सबसे दी बेस्ट है ये। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।